हेलो दोस्तों, जिन कैंडिडेट से भी बिहार एसएससी के डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में गलती हो गई है, एप्लीकेशन को अपडेट करने में, पर्सनल डिटेल्स या एजुकेशन डिटेल्स में कोई भी गलत डाटा सबमिट हो गया, उन्होंने फाइनल सबमिट कर दिया है, तो फिलहाल उनका यहाँ से तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो वैसे कैंडिडेट बोल रहे थे क्या उनको बिहार एसएससी के ऑफिस आना पड़ेगा अपनी समस्या को लेकर, यहाँ से समाधान हो सकता है। तो दो कैंडिडेट्स वहाँ गए थे जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया एक कैंडिडेट के साथ समस्या ये था कि उन्होंने सब कुछ सही से सबमिट किया था, लेकिन डॉक्यूमेंट जो है उनका इरर शो कर रहा था। उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट सही से अपलोड किया था, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट शो हो रहा था, कुछ डॉक्यूमेंट इरर शो कर रहा था। तो उन्होंने अपनी समस्या को बताया बिहार एसएससी के ऑफिस जाके, तो वहाँ पर उनको बोला गया कि जो भी डॉक्यूमेंट आपका इरर शो कर रहा है उसकी फोटोकॉपी और एक अप्लीकेशन को लेकर जहाँ जमा कर दीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो वहीं दूसरा कैंडिडेट जो वहाँ गया था, उनको ये बोला गया कि आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ है और नई तिथि जो है दी जाएगी करेक्शन के लिए, फिर से आप लोगों को मौका दिया जाएगा फिर से डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए, करेक्शन करने के लिए। तो ऐसा बोला गया क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ है और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पटना में ही रहते हैं या पटना के आसपास ही रहते हैं, तो भी एसएससी के ऑफिस अपनी समस्या को लेकर गए होंगे क्योंकि उनको लग रहा होगा उनका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर लगा होगा उन लोगों को ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हुआ है, तो नई तिथि इसके लिए देनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इसके लिए नई तिथि घोषित की जाएगी, करेक्शन के लिए फिर से मौका मिलेगा। बाकी जो सक्षम है, जो जा सकते हैं बिहार एसएससी के ऑफिस या जो पटना के आसपास है, नज़दीक है, वो एक बार ज़रूर जाइए। लेकिन मुझे लग रहा है कि नई तिथि जो है दी जाएगी, लेकिन जिन भाइयों ने अभी तक नहीं किया वो जल्द से जल्द कर लें, 18 फरवरी आखिरी डेट है। बाकी कैसे आपको करना है मैंने बता दिया वीडियो में। और जो नहीं जा सकते, बहुत दूर है, बाहर है, वो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और आप लोग घबराइए मत, अगर कोई भी गलती हो गई है तो आपका मिस्टेक नहीं है, साइट की वजह से भी बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है कि आप डॉक्यूमेंट तो सही से अपलोड कर लेंगे फिर भी इरर शो कर रहा है। तो वैसे में आपको घबराना नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए, इसलिए नई डेट या नई तिथि जो है ज़रूर जारी की जाएगी, तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।